इस समाचार के प्रायोजक हैं गोल्ड्स जिम मुजफ्फरपुर, क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में आपकी आंखों में। नमस्कार, मैं एक्टर विजय शर्मा। मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और हाँ, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, जो आपके दिल में आपकी आंखों में। जय हिंद। बिहार में पान मसाला के प्रतिबंध के बाद मुजफ्फरपुर में विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर से सेफ्टी ऑफिसर ने 12 बैग प्रतिबंधित शिखर पान मसाला को जब्त किया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि ये प्रतिबंधित पान मसाला अज्ञात रूप से पाया गया है। इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पता लगने पर इसके मालिक पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट में मुकदमा भी किया जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि आगे भी प्रतिबंधित पान मसाले को पकड़ने के लिए छापेमारी की जाएगी। तो सीजर वगैरह बना लिया गया है और ट्रेसलेस है, किनका है, क्या है, ट्रांसपोर्टर वाले कौन है, क्या है, कोई तरह का भी नाम पता नहीं मिला है। क्या सूचना थी आपकी? सूचना सीएस सर से मिली और एसडीओ साहब का भी फोन, उनसे भी दूरभाष पर बात हुई और जो भी स्पॉट पे पहुंचे और वहां से माल जो भी था, करीब 12 बड़ा बैग है और सब ला करके थाना को संबंधित था। कौन कौन सा पान मसाला है? शिखर पान मसाला और प्रतिबंधित है, राज्य सरकार द्वारा ये प्रतिबंधित है। कहाँ से पकड़ा है सर? ये आपका सिकंदरपुर थाना अंतर्गत जगह है। आपका जगह क्या है? जगह का तो ट्रांसपोर्टर है। एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है सर? जी कितना होगा, कॉस्टिंग कितना होगा? लगभग कॉस्टिंग लगभग इसका हम समझते हैं कि 10,000 से ऊपर होगा। क्या पर्चा? 20,000 रुपया का, 20-25 कहिए, 25,000। गिरफ्तारी वगैरह भी है इसमें? गिरफ्तारी वगैरह नहीं बचवा, मामला अगर उनका पता जैसे ही और नाम पता अवेलेबल हो जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, मामला कोर्ट को चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में आपकी आंखों में।